हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न एक बार फिर सुर्खियों में है। सूत्रों की माने तो नई सरकार ने आते ही भारत रत्न पर हलचल तेज कर दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कई नाम इस लिस्ट में हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो जो दो नाम सबसे आगे हैं उनमें है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। पांच भारत रत्न का ऑर्डर, आरबीआई की टकसाल को भारत रत्न बनाने का ऑर्डर, यहीं से खबर फैली कि सरकार इस बार एक से ज्यादा लोगों को भारत रत्न से नवाज सकती है। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आरबीआई के टकसाल को पांच भारत रत्न बनाने का ऑर्डर दिया है। बीजेपी लंबे वक्त से अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग करती आई थी। बंपर जनादेश के बाद अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का मन बना लिया है। खबर फिजा में फैली तो वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने वाजपेयी को विश्व स्तर का नेता बताया। खबर यह भी है कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। अब की बार एक से ज्यादा लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर कांग्रेस ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन तुरंत अपने लिस्ट भी निकाल ली। सरकार की क्या लिस्ट है इसकी मालूमात तो सिर्फ सरकार को हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आज सरकार विचार कर रही है भारत रत्न देने का, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जिन्होंने बनाया था सर सैयद अहमद खां, उनका नाम भी कंसिडर करना चाहिए भारत रत्न के लिए। इसके साथ ही मदन मोहन मालवीय, सर सैयद अहमद खान, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद और बीएसपी के पूर्व सुप्रीमो कांशीराम को भी भारत रत्न देने की खबर है। आज तक ब्यूरो।